चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक डबरा क्षेत्र के ग्राम कांसा के क्वारंटाइन सेंटर में 18 संक्रमित मरीज मिलने से जहां कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई है, जिसमें 16 लड़की हैं जो चेन्नई में काम करने के लिए गए थे, जहां जाकर सिलाई कढ़ाई का काम करते थे। बस से 38 लोग आए जिन्हें प्रशासन द्वारा कांसा के अल्फांस इंग्लिश मीडियम स्कूल में ठहराया गया था। यह बता दें कि सभी लड़कियां चेन्नई से यहां पहुंचे थे, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले 6 लड़कियों का ब्लड सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट के लिए भेजे रिपोर्ट 4 लड़कियों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया। इसके बाद 5 जुलाई को 38 सभी लोगों का ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट 7 जुलाई को आई, तो 38 में 18 लड़कियों का ब्लड सैंपल पॉजिटिव आया, जहां सभी को गोविंद सेंटर जांजगीर इलाज के लिए भेजा गया। कांसा में 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने पर गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस महकमे द्वारा तत्काल पहुंचकर आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है एवं कोरोना पॉजिटिव लड़कियों के संपर्क में आए सभी परिजनों एवं अन्य प्रवासी मजदूरों की पहचान की जा रही है। निजी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है, आसपास के इलाकों में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। अभी तक ब्लॉक डबरा के क्वारंटाइन सेंटर खुर्रुघट्टी, बगरैल, कटेकोनी, छोटे चंद्रपुर, धुरकोट में कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुका है। आज तक ब्लॉक के सभी क्वारंटाइन सेंटरों से 672 ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। DNX TV के लिए जांजगीर चांपा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। ये डबरा ब्लॉक में चेन्नई से प्राइवेट बस के द्वारा 38 लोग जो है आए हुए थे, जिन्हें कांसा के अल्फांसो क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया था। उसमें से छः लोगों का रैंडम सैंपल लिया गया था, उनकी रिपोर्ट 4 तारीख को आई। उनमें से जो है 4 पॉजिटिव निकले। 4 पॉजिटिव निकलने के बाद जो है 5 तारीख को फिर पूरे क्वारंटाइन सेंटर का 38 सैंपल उठाया गया था। उसमें से आज 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट आई, उसमें से 18 पॉजिटिव निकले। उन सभी का जो है कोविड हॉस्पिटल जांजगीर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। ब्लॉक में 31 पॉजिटिव केस निकले हैं और अभी वर्तमान में 23 एक्टिव केस हैं और टोटल जो है 672 लोगों का RT-PCR जांच किया गया है।